गाइस, मैं दीपक श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में मैं आपको जेरॉक्स वर्सालिंक B405 मॉडल में स्कैनिंग और कॉपी क्वालिटी इशू के बारे में बताऊंगा कि इशू क्यों आता है और इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो जेरॉक्स वर्सालिंक B405 मॉडल में जो इशू आता है स्कैनिंग से या कॉपी से रिलेटेड क्वालिटी का, वो स्कैनर की वजह से आता है। इस मॉडल में स्कैनर में हमारे CIS और केबल दो कंपोनेंट लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये इशू आता है। बेसिकली अगर ऑप्टिक्स गंदा होता है तो उस वजह से भी क्वालिटी का इशू आता है, या कई बारी CIS हमारा ख़राब हो जाता है, या कई बारी उसकी जो स्कैनर केबल जिसे बोलते हैं उसमें फॉल्ट आ जाता है, वो बैंड होने के कारण वहाँ से डैमेज हो जाती है। तो अब इसको कैसे रिजॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। स्कैनर और कॉपी क्वालिटी का जो इशू आता है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले स्कैनर क्लीन करना पड़ता है। तो स्कैनर क्लीन करने के लिए हमें स्कैनर को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी मशीन में करनी है, क्या क्या असेंबली खोलनी पड़ेगी, वो हम देखते हैं इसमें किस तरीके से खोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मैनुअल ट्रे को बाहर निकालेंगे, फिर फ्रंट डोर ओपन करेंगे। जस्ट फ्रंट डोर में दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड दो लॉक बने हुए हैं, उसको थंबल प्रेस करके और इसको मूव कराएंगे। इसी तरीके से राइट साइड वाला भी। उसके बाद ये जो कट बने हुए हैं, इन दोनों कट के अंदर असेंबली को प्रेस करके बाहर की तरफ मूव कराएंगे। इसी तरह का इसको भी राइट साइड में मूव कराएंगे और ये असेंबली बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके फ्रंट कवर हम निकाल देंगे। जस्ट फिर ट्रे मैनुअली बाहर निकाल देंगे, जो मेन ट्रे है उसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम इस प्रिंटर को मूव करा लेंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे। आइए अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। ये मशीन की लेफ्ट हैंड असेंबली है, जिसको हम यहाँ से प्रेस हिट करेंगे और ये लॉक, तीन लॉक बने हुए हैं यहाँ पे, इसको प्रेस करके ये लॉक को मूव करा लेंगे। यहाँ इस तरीके से ये साइड कवर निकल जाएगा। स्टंबल स्क्रू को मूव कराएंगे और इसे स्लाइड करके बाहर की ओर निकालेंगे। जस्ट हमारी ये प्लेट लगी है, इस पर दो स्क्रू होते हैं, इस स्क्रू को रिमूव करके इस प्लेट को निकालेंगे और जस्ट यहाँ से ये वाइट कनेक्टर जो लगा हुआ है, जो कि ADF से आ रहा है, इस कनेक्टर को मूव करा लेंगे। इस कनेक्टर को निकाल करके और इसकी रूटिंग से बाहर करेंगे, ये रूटिंग से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम ADF को ऊपर उठाएंगे और थोड़ा सा क्लाइंट करेंगे आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से ये पूरी ADF असेंबली बाहर आ जाएगी। उसके बाद हम इस असेंबली को निकालेंगे। इस असेंबली को निकालने के लिए इस असेंबली में नीचे ये दो लॉक लगे होते हैं, प्रेस फिट होते हैं, इसको नीचे से प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ पुश करेंगे और ये पूरी असेंबली ऐसे बाहर आ जाएगी इजीली। उसके बाद आपकी ये स्लैट लगी हुई है फ्रंट साइड पे, इसको हल्का सा प्रेस करके और फ्रंट साइड पे मूव कराएंगे। जैसे हम इसको स्लाइड करेंगे इस साइड में, ये असेंबली इजीली निकल जाएगी। अब रह गया स्कैनर का ऊपर का कवर। इसको निकालने के लिए ये पॉइंट्स दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें स्क्रू लगे होते हैं, इन स्क्रू को खोलना है और खोलने के बाद किसी माइनस वाले स्क्रू ड्राइवर से लेके हल्का सा ऊपर की तरफ प्रेस करना है इस तरीके से। इसी तरीके से राइट साइड में भी क्लिप से, और इसे केयरफुली उठाना है क्योंकि इसमें ग्लास लगा होता है, और केयरफुली किसी जगह पर रख देना है जहाँ पे ग्लास टूटे ना। अब ये हमारा जो स्कैनर है उसके अंदर का एरिया आ गया। इस स्कैनर एरिया को इसको CIS बोलते हैं और ये उसकी रिबन केबल है, हमें स्कैनर केबल भी बोलते हैं। जब भी क्वालिटी का इशू आता है, या तो आपकी ये CIS गंदी होती है, डस्टिंग होती है उसकी वजह से आता है, या ये रिबन केबल बैंड होने के कारण डैमेज हो जाती है, तब भी ये इशू आता है। जैसे आपके प्रिंट स्कैन क्वालिटी या कॉपी क्वालिटी में जब बीच में से वाइट आए, बीच में से मिटा हुआ है या ब्लैक पैचेस बने, तो आप समझ लीजिए स्कैनर की CIS या केबल दोनों ख़राब हो सकती हैं। तो उस केस में सबसे पहले जो करना है, एक्टिविटी करना है, जो हमारा स्कैनर था, एक साफ कपड़ा लेकर के और अंदर का पूरा ऑप्टिक्स क्लीन करना है केयरफुली, इसे हाथ से मूव करा के CIS है, इसको भी साफ कपड़े से क्लीन करना है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि ये जो रिबन केबल है कहीं से डैमेज या बैंड तो नहीं हो रखी। अगर ये डैमेज है, बैंड है, तो इसकी वजह से भी इशू आ सकता है।
इसके अलावा कई बारी क्या होता है कि जब हम स्कैनर फॉल्ट भी आता है तो ये जो केबल है, ये बेल्ट जो होती है, ये अपनी जगह से निकल जाती है या प्रॉपर मूव नहीं करती, तो उस केस में हम इस बेल्ट को भी बदल के इशू रिजॉल्व करा सकते हैं। क्वालिटी केस में ये वाली एक्टिविटी करनी है। इसके बाद जो हमारा ऑप्टिक्स है, जो हमारा ग्लास है, हम ग्लास का बैक साइड लेंगे। बैक साइड में ये बीच में आप देखेंगे ये जो एरिया है ग्लास का, इसे बोलते हैं CCD ग्लास, और ये जो एरिया है ये प्लैटन बड़ा ग्लास है। इन दोनों के बीच में ये वाइट पट्टी लगी होती है जिसको क्लीन करना ज़रूरी है, जो वाइट रेफरेंस सेंस करता है। अगर ये एक डस्टी होगा तो भी हमारी क्वालिटी से रिलेटेड इशू आते हैं। तो इसको अच्छी तरह से अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हल्के से साफ कपड़े से क्लीन करके केयरफुल इसको लगाएंगे मशीन पे। और कई बारी हमारी मशीन में हम देखते हैं कि जब क्वालिटी से रिलेटेड इशू आता है, कुछ लाइंस आती हैं, तो वो ग्लास के डस्टी होने पे भी आ सकती हैं। जब ग्लास डस्टी हो तो उस पे लाइनें बननी शुरू हो जाती हैं, इसलिए इसको प्रॉपर क्लीन करना है हमें। ख़ास तौर पे जब हम ADF से कॉपी करते हैं, स्कैन करते हैं, तो हमारी एक ब्लैक कलर की लाइन जनरेट होती है। वो इस CVT ग्लास पे अगर कोई भी डस्ट होगा उसकी वजह से वो लाइन जनरेट होगी, इसलिए ये CVT ग्लास क्लीन करने से वो इशू रिजॉल्व हो जाता है। तो उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे इसकी होम पोजीशन पे लगा करके, और हल्का हल्का प्रेस करेंगे चारों तरफ से। और जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने इसको खोला था, उसी तरीके से एक एक स्टेप करके इसे बंद करना शुरू करेंगे। दोस्तों, अभी आपने देखा इस वीडियो में कि हम कॉपी और स्कैनिंग क्वालिटी को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया कि इसमें किस तरीके से हम स्कैनर को खोल के CVT ग्लास, CIS और केबल को चेक कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।